होता है। देखिए काम करते करते अब हम बारिश का मजा ले रहे हैं यहाँ पे। देहरादून में हो गई है झमाझम बारिश और नहाना तो है ही, तो इसलिए भीग जाते हैं, थोड़ा सा पानी कम लगेगा। तो ये देखिए महंगाई की मार है, टमाटर की मार। तो ये देखिए कद्दू के कोंपले हो रखे हैं, तो सब्जी बनाएंगे इसकी, खा सकते हैं। और ये दिए हैं आम भैया भाभी ने, सबसे बड़े वाले भैया भाभी ने। तो ये देखिए ये ग्रेप्स हैं घर के उनके, और ये घर की लीची है। तो मैं यहाँ पर पहली बार अभी काम कर रहे हैं। और ये है जेरी महारानी का बिस्तर। तो देखिए जो है हालत खराब हो गई है आज हमारी, सुबह सुबह एक्सरसाइज जितना 2 महीने मजे के बद्रीनाथ में, उतना यहाँ पे जो है सजा मिल गई काम करने की। तो हस्बैंड अभी सो गए हैं, हल्ला मत करो गाइस, तो हम भी रहे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ, बट थकी हुई हूँ काफ़ी काम कर करके। तो जो व्लॉग मेरा कल पूरा हुआ था उसका नेक्स्ट पार्ट वहीं से स्टार्ट हो गया था ये वाला व्लॉग भी, और लंबा था वीडियो तो इसलिए अलग अलग बनाए। अभी चाय बन रही है यहाँ पर, और बस ये है मैगी, मैगी बनेगी और दूध लेके आए हैं क्योंकि दूध वाले जो है शाम से आएँगे, और बस ये मट्ठा भी आया है जेरी के लिए, जेरी के लिए मट्ठा आया है। काफ़ी गर्मी हो रही है जेरी को देहरादून में। जेलू गमी हो ना तुझे, कद खाने हैं, भूख लग ला, भूख लग ला जेली को, बैठ 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 गमी वाला, बैठ सीट। और इधर भी अभी साफ सफाई नहीं हुई है, बस नाश्ता करके लगते हैं हम लोग। और जेरी देखे पी रही है मट्ठा अपना अब छांस। तो अब जो है ब्रेकफास्ट करके हस्बैंड को लगा दिया है यहाँ पे काम पे। तो ये देखिए जो है हम लोग लग गए हैं सफाई अभियान पे, सबसे पहले बाहर की। मैं क्यों, मैं वीडियो बना रहा, डर मत, बाहर ही रहते दिखा दे। तो ये देखिए कद्दू के कोंपले हो रखे हैं, तो सब्जी बनाएंगे इसकी, खा सकते हैं। अच्छा जेरी यहाँ पे, ए गुंडा काट के फेंकने हैं झाड़ियों को आपने, ये बेलों को। अरे कुछ कुछ खाने के सब्जी बना गए, क्या कर रहे हो उधर पे, पौधों को देख रहा। तो ये देखिए महंगाई की मार है, टमाटर की मार, सारे टमाटर हमारे गिर चुके हैं। टमाटर भी क्या है यार, ये किसी का है, ऊपर रखा था रूम में, वो है वो। तो बस अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग लग गए हैं इसको काटने पे। काफ़ी सारी जो है घास भी यहाँ पे जमी हुई थी, चौलाई थी, कद्दू की बेल थी, अरबी वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे जो है आजकल काफ़ी, मतलब पड़ोस वाले कह रहे थे कि सांप भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे, सांप आ रहा है, तो इसलिए हमने सोचा चलो पूरा ही हटा दें इसको, बेल वेल तो भाड़ में जाए, कहीं सांप ना आ जाए यहाँ पर। तो ये देखिए इतने कद्दू के कोंपले, हरी सब्जी बन जाएगी एक टाइम के भात में, और ये देखिए काफ़ी फ्रेश नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए जो है काफ़ी झाड़ी हमने साफ़ कर दी थी, और ये देखिए नीचे पे तुलसी का जो हमारा पौधा था, तुलसी मैया हमारी जो थी, तो पूरी टूट चुकी थी, और कद्दू की बेल भी उस पर लपेटी हुई थी, तो इसलिए हमने उसको भी जो है काट दिया था। तो पत्ते पत्ते यहाँ पे हो रखे हैं, और सारी कद्दू की बेल देखिए जो है बस मैंने इसकी जो है काट के रख दिया था, और हस्बैंड ने इसको सबको बाहर फेंक दिया है। तो ये देखिए पूरे तुलसी माता के देखिए पत्ते पत्ते हो रखे हैं, और अभी मैंने ऊपर ऊपर कट करी है, तो अभी मैं पूरी काटूँगी इसे, क्योंकि झाड़ी बहुत हो रही है।
होती है। तो बस देखिए हमारे झाड़ी काटने का काम हो चुका है पूरा, और अब यहाँ पे बारी आ गई है क्लीनिंग की। तो जो भी सारा कूड़ा कड़कत जो है हो रखा है, तो इसको हम क्लीन करेंगे सबको। तो मेरे इतने अच्छे प्लांट थे ये, बहुत ही अच्छे, और जब तक जो है मेरी बेबू रानी भी नहीं हुई थी, इतने जो है 8-9 साल पुराने प्लांट और गमले थे ये एक दो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जो है प्लांट वगैरह लगाने के लिए, तो मैंने लगा के रखे थे। लेकिन देखिए सारे जो है सूख चुके हैं, एक क्रिसमस ट्री जो है हल्का फुल्का रह गया था जैसे मैंने कल वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था, और 2-4 जो प्लांट हैं हल्के तो बस वही बच गए थे। तो बस सबकी सफाई करनी थी यहाँ पे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो पानी जो है यहाँ पे 9:15 बजे बंद हो जाता है। तो बस अभी पानी नहीं था तो धुलाई नहीं कर सकते थे हम, तो इसलिए बस मैं जो है सूखे झाड़ों से साफ़ कर रही थी। और अभी बस अंदर ले गया है जो सब्ज़ी के लिए, और उसे देखिए पकड़ने में डर लग रहा था तो उसको डांट रही थी मैं, अभी उसको सब्ज़ी पकड़ने भी नहीं आती अच्छे से, और कुछ काम का नहीं है ये लड़का। बेबो रानी काफ़ी काम करती है, और ये कुछ बस कभी कभी चाय बनाता है, अच्छी बनाता है, कभी सड़ी भी सी बना लेता है, और कुछ नहीं करता है ये। और बस देखिए यहाँ पे जो है मेरी सफाई शुरू हो गई थी, तो सारे पत्ते पत्ते देखिए, और यहाँ पे जो है बच्चों ने सैंडल वगैरह भी उतारे थे, तो उनको धोने तक का भी जो है पानी नहीं था, मतलब अंदर तो था, टैंक भरे हुए थे बट इतना सार नहीं का, क्योंकि हम जो है गीला हो गए थे और खुजली सी भी हो रही थी काम करके इधर, तो अंदर बाहर करते तो अंदर भी पूरा जो है हमारा गंदा हो जाता, मिट्टी मिट्टी हो जाती, तो बस इसलिए जो है बार बार हम काम में लगे हुए थे। और सारा इतना काम निपटाने में जो है हस्बैंड ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, तो पूरा जो है हस्बैंड ने ही फटाफट से उखाड़ा ये कि बाहर के काम कर लेंगे और अंदर के तो जो है बाद में होते रहेंगे। तो देखिए कितने सारे जो है पत्ते वगैरह हो गए थे, और कद्दू की बेल यहाँ पे तुलसी में जो है जम गई थी, तो नीचे उसकी रूट्स इतनी बड़ी बड़ी हो रखी थी, वाइट वाइट से आपको दिख रही होंगी, तो उनको निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जो है जमी हुई थी इधर के साइड। और बस ये देखिए इतना सारा कूड़ा था, तो इनको बस मैं यहीं से जो है गार्डन में ही डाल दूँगी, क्योंकि फ़िलहाल गार्डन में मुझे कुछ बोना नहीं है, तो बाहर फेंकने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो बस मैंने यहीं डाला है। और इसकी खाद भी बन जाती है जो सूखे पत्ते वगैरह होते हैं, तो ये गार्डन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और ये प्लास्टिक का गमला टूट गया था, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि चलो इसको फेंक देते हैं, तो उसकी मिट्टी निकाल के हमने उसको फेंक दिया था। और ये भी कुछ टूटे फूटे हैं, बट इनमें कुछ कुछ में जो है छोटे छोटे से प्लांट जम रहे थे, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, जिनमें खाली हैं तो उनको फेंक देते हैं, जो हैं तो रहने देते हैं। और गर्मी से देखिए सारे प्लांट जो है तूफान से सारे प्लास्टिक वाले जो हैं सारे टूट गए हैं हमारे जो पॉट हैं। तो देखिए जो है हालत ख़राब हो गई है आज हमारी, सुबह सुबह एक्सरसाइज जितना 2 महीने मजे के बद्रीनाथ में, उतना यहाँ पे जो है सजा मिल गई काम करने की। तो देखिए पूरा ये साफ कर दिया हमने, और तुलसी माता को भी थोड़ा सा मैंने कट कर दिया है, क्या करूँ लटक गई थी और उसमें अंडे भी और कचरे चिड़ियाओं के छोड़े हुए थे। ये पूरा साफ हो गया है एरिया, गार्डन बिल्कुल साफ हो गया है। अब देखेंगे इसमें भिंडी वगैरह डालेंगे कुछ, और बस इधर का एरिया मेरा हो चुका है, उधर अभी हस्बैंड कर रहे हैं, और सारी मिट्टी मिट्टी हो गई है देखिए। बस जो है अरबी अरबी के जो पत्ते हैं वही हमने छोड़े हैं पत्यूर बनाने के लिए, ये देखिए। और ये छूटा है पुदीना, और कुछ टमाटर के पौधे हैं, और बस वही बारिश हुई अभी, जेरी अंदर ले जाओ, बारिश आ गई। तो गाइस देखिए काम करते करते अब हम बारिश का मजा ले रहे हैं यहाँ पे, और काफी ज्यादा बारिश लगी है तेज, और धुलाई भी देखिए खुद हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है आज पानी नहीं आ रहा था, टाइम हो चुका है, और बहुत ही मजा आ रहा है। मेरी देखो ना बीमार सुथरा हो गया, नहीं और हस्बैंड देखिए अभी वहाँ पे धुलाई कर रहे हैं, क्योंकि बारिश तेज लग गई तो पानी की जो है दिक्कत नहीं होगी, फटाफट से साफ हो जाएगा। तो देखिए जो है काम करते करते यहाँ पे देहरादून में हो गई है झमाझम बारिश, और नहाना तो है ही, तो इसलिए भीग जाते हैं, थोड़ा सा पानी कम लगेगा, और बेबो रानी का मन है लेकिन इसकी तबीयत खराब हो रही है, तो इसलिए अभी कौन नहलाएगा उसे, जेरी को भी नहलाना है, जेरी भी बारिश का लुत्फ उठा रही है यहाँ पे। हाय जालू, देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया हमारे आते देहरादून में, कल हम गर्मी से मर गए पूरे रास्ते।
और अब जो है फ्रंट साइड हमने साफ कर लिया था और उसके बाद आ गई हूँ मैं पोर्च में, किचन का जो डोर होता है उस साइड। तो इधर देखिए जो है मेरी मक्खियाँ जब हुई थी गार्डन में तो ये मैंने रखी थी बीज के लिए और सुखाने के लिए स्टैंड में, बट ये जब पता नहीं कब नीचे गिर गई होंगी तूफान से, तो इनमें सब में अंकुर आ गए थे और सड़ी सड़ी सी हो गई थी ये। तो बस अब कुछ काम की नहीं है और टाइम भी नहीं है मुझे बोने का इतना, तो बस इनको भी मैं फेंक दूँगी। और सारा तूफान से देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारी कूड़ा यहाँ पर आया था, तो बस इधर भी मुझे साफ़ करना था। जैसे मैंने बताया कि आज पानी बंद हो गया था सुबह, फिर ये बारिश के पानी से अच्छे से धुलाई हो गई थी और हस्बैंड लग गए थे यहाँ पे गाड़ी साफ करने में। और ये देखिए अब जो है गाड़ी साफ़ हो रही है अंदर से और सारा सामान हम लोगों ने जो है निकाल दिया है। और मौसम अभी फिर देखिए बारिश बंद हो गई है, फिर आने का हो रहा है बारिश। और ये देखिए पूरा हमारा सामान थैले वगैरह ये देखिए सारा। और ये देखिए जो कद्दू के कोंपले निकाले थे अभी धोए नहीं हैं। और ये दिए हैं आम भैया भाभी ने, सबसे बड़े वाले भैया भाभी ने, जो मैं शादी में गई थी, शादी वाले ब्लॉग जिन्होंने देखे होंगे मेरे कोचर के। तो ये देखिए ये ग्रेप्स हैं घर के उनके, और ये घर की लीची है। तो कुछ हमने जो है कल गाड़ी में खा लिया था और थोड़ा गर्मी से कुछ पचक गए हैं और कुछ अच्छे हैं, तो इनको जब हम धोएंगे तो अच्छे से खाएँगे। तो अब देखिए फिर से जो है अंदर के काम में मैं लग चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए दीमक ने जो है काफ़ी लंबी लाइन बनाई थी काफ़ी ऊपर पे, तो बस इसको भी मुझे हैंड टू हैंड अभी साफ़ करना था क्योंकि ये फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो थोड़ा बहुत जो है साथ साथ में मैंने जाले भी साफ़ किए, सारे जाले निकाले और दीमक भी निकाली। गाइस मैं अभी नहा के आ गया, मस्त बारिश में भीग गया तब नहाया। तो ये देखिए अभी भी पहले बारिश में भीगा, अब नहा के अभी बैठ गए हैं फ़ोन छेड़ने के लिए। और बेबो रानी भी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हो गई नहा के, और अभी यहाँ सीलन की स्मेल आ रही है ये देखिए पूरे, और पूरा डस्ट देखिए यहाँ पे देखिए जमा हो रखा है पूरा यहाँ यहाँ। तो अभी इसको मैं साफ करूँगी, अभी झाड़ू नहीं लगाया हमारा क्योंकि पहले बाहर की सफाई करी है, अभी अलमीरा वगैरह सारा जो है साफ होगा। और इधर भी देखिए विंडो अभी खुली हुई है, तो सारा सामान देखिए मैंने इधर कर दिया है साफ, और दीमक भी मैंने ऊपर के झाड़ दिए हैं, बस अब झाड़ू लगेगा अच्छे से। अभी जेरी और हस्बैंड जो है अभी नहाने गए हैं दोनों के दोनों। गाइस यहाँ पर पहली बार अभी काम कर रहे हैं। क्या कह रहा? बोल बोल। ये कह रहा कि कप में चाय बची है वो पियो, कोई पीनी है तो ये पी ले, नहा के आ गया तो तेरे को ठंड लग गई। ये इनके कप है गाइस, ये देखिए चाय छोड़ रखी है हमारे, मैंने छोड़ी थी वो, पकड़ इसको। और पहली बार अभी काम कर रहा है, पहली नहीं दूसरी बार। क्यों और क्या काम किया तूने? मम्मी जो इसमें झाड़ दी है तो थोड़ा सा मैं गीले कपड़े से करूंगी। इसने नहीं, आप ही ने झाड़ी। हम पियेंगे फिज और मैंगल बद्रीनाथ के। और ये है जेरी महारानी का बिस्तर। महारानी साहिबा अभी नहा के पधार रही हैं, तो इससे अच्छा उनका जो है यहाँ पे बिस्तर लगा देंगे तब तक। ये सब जेरी ने कूड़ा कबाड़ दिया, जेरी का ये सारे टॉयज हैं, धूल देखिए कितनी ज्यादा हो रही है इधर। तो फटाफट से मैं सब जगह झाड़ू लगाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। जेरी आ गई महारानी नहा के। गाइस देखो यहाँ पे जेरी नहा के आ गई। ये ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, बैठ बैठ। अबे चिप्स वो खा जाएगा, खा दिया, अब तू नहीं खा पाएगा, मैंने तेरे लिए बचाया था। ये गंदे ने हमारा चिप्स खा दिया। अरे वो अब आ रही, नीचे जा, इधर देखो ये कुछ आ रहा है। तो बस अब जो है सारी जगह की सफाई करने के बाद लास्ट में बारी आती है पोछा की, तो बस यहाँ पे मेरा पोछा लग रहा था फटाफट से और काफी थक गई थी मैं काम करते करते। तो देखिए जो है अभी मैं नहा के आ गई हूँ, सब लोग नहा गए थे, बस मैं जो है बची हुई थी। तो मेरा भी हो गया है नहाना धोना और बहुत कमज़ोर हो गया हूँ बद्रीनाथ से, देखिए और काली भी हो चुकी हूँ।
और अभी टाइम हो रहा है 1:40, तो हमारा लंच भी बन गया है। तो बस लंच में क्या बनाया चलिए दिखाती हूँ आपको। और हस्बैंड ने बनाया है क्योंकि मैं काम में बिजी थी। तो बस लंच हमारा तैयार हो चुका है और ये बना रखी है हस्बैंड ने दाल और चावल और चटनी। तो थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कम है तो ये मिक्स दाल बनाई है, पता नहीं क्या क्या बद्रीनाथ से लाए थे हम लोग। और ये है चटनी बना रखी है मैंगो, मैंगो की उसकी ग्रेप्स की किसकी है तो ये है मैंगो की चटनी और पुदीना क्यारी में हो रखा था और मेरे भैया ने दिए थे, बड़े वाले भाई ने जो अभी मैंने आपको दिखाए थे फ्रूट्स अपने घर के अपने गार्डन के। तो बस वही, तो ये हमारा लंच है और अभी ये सामान फैला है गाइस, सारा काम हो चुका है, बस थोड़ा बहुत बच गया है। तो चलिए हम लोग लंच करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो बस जो है हमारा लंच हो चुका है और बर्तन अभी सिंक में ही डाल दिए हैं मैंने क्योंकि बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके शाम के टाइम पे धोती हूँ बर्तन। और बस लाइट ऑफ करके जाते हैं, बाहर लगी है झमाझम बारिश, बहुत तेज जो है बारिश लगी है बाहर। और हम अब रेस्ट करते हैं, डाइनिंग वगैरह जो है मेरा साफ हो चुका है और बस रेस्ट फरमाते हैं। यहाँ पे कहाँ रख रहा कूड़ा, ये भी है नीचे एक लगा, डस्टबिन में डाल। और हस्बैंड देखिए यहाँ पे सो गए हैं, अभी चढ़ते हैं मेरे पे। तो हस्बैंड अभी सो गए हैं, हल्ला मत करो गाइस। तो हम भी रेस्ट करते हैं और शाम के टाइम पे मिलते हैं।